हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, जो मैं आज वीडियो लेके आ चुकी हूँ वो आपके घर और किचन को आसान बना देने वाली है। तो दोस्तों, जो आपके लाइफ को और समस्याओं को समाधान करने वाली है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पहला ट्रिक मेरा इस तरह से डिब्बे को लेके है। तो दोस्तों, इस तरह से डिब्बे, ऐसे चौड़े मुँह का कोई सा भी डिब्बे है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, मेरे पास इस तरह का डिब्बे था, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आज इसको इस्तेमाल भी करूं और मैं इसको आप लोगों में वीडियो भी शेयर करूं। तो चलिए, इस तरह से चौड़े मुँह का जो डिब्बा है, तो मैं सबसे पहले इस तरह से चाकू को गर्म कर ली हूं और इस तरह से मैं इसके ढक्कन में हॉल कर ली हूं और जो डिब्बे के ऊपर रैपर था मैंने उसको उतार दिया है। तो दोस्तों, इस तरह से चाकू को गर्म करने के बाद बहुत ईजिली तरीके से इसमें हॉल हो जाता है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने कितना सारा हॉल कर लिया है, बहुत तेज़ी तरीके से इसमें हॉल भी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसका रिव्यूज बताती हूँ। तो देखिए, इस तरह से मैंने ये चम्मच का स्टैंड बना लिया है। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें बहुत सारे चम्मच हैंग कर सकते हैं। और दोस्तों, इस तरह से चम्मच का स्टैंड भी आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हम बाहर से स्टैंड खरीदने जाते हैं तो आप सभी को पता है कितने महंगे आते हैं। तो क्यों ना दोस्तों, इस तरह से हम छोटे मोटे ऑर्गेनाइज़र अपने घर में बना के तैयार कर लें। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों देखने में छोटा है पर ये बहुत ही काम का है। आप देख पा रहे होंगे मैंने इसमें कितने सारे चम्मच चमची इसमें हैंग कर दिया है। बहुत ही कमाल का आइडिया है दोस्तों। तो चलिए, मैं इसको निकाल देती हूँ। और दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे मैं इस तरह से दिखा रही हूँ। और दोस्तों, आपको अगर इस तरह से नहीं रखना है तो आपको इसमें एक से दो कटोरी चावल डाल देना है। और डालने के बाद क्या करना है, इस कैप को हमें इस तरह से लगा देना है। अगर आप चम्मच नहीं रखना चाहते हैं तो चम्मच को निकाल दीजिए। तो देखिए, मैं इसके लिए बहुत ही अच्छा और ट्रिक बनाई हूँ कि इस तरह से आप चम्मच को निकाल दीजिए और आप ले लीजिए अपना चाकू ले लीजिए। तो दोस्तों, इस तरह से चाकू ले लीजिए और आप देखिए इसमें इस तरह से हैंग कर दीजिए। चाकू लेने के बाद इसमें हैंग कर देंगे। तो दोस्तों, क्योंकि मैंने अंदर चावल डाला हुआ है तो इस तरह से चाकू का जो धार है बिल्कुल बेकरार रहेगा और आपके चाकू का धार कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अगला ट्रिक। अगला ट्रिक दोस्तों, इस तरह से हमारा ये मोर्टिन को लेके है। तो दोस्तों, जो इसका रिफिल होता है, ये हमारा ये जो तेल है, ये तेल ख़त्म हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, बाहर से केमिकल ले आते हैं और बहुत महंगी भी आती है। इस तरह से ले आके हम लगाते हैं तो क्या होता है, हमारा ये केमिकल, बच्चे जब सोते हैं, जब हम सो जाते हैं, इस तरह सांस वगैरह लेते हैं, तो दोस्तों हमारे सांस के द्वारा ये जो इसका केमिकल है हमारे शरीर के अंदर जाता है और कई सारे एंटीबायोटिक बीमारियाँ हमारे शरीर में हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा तो जिसके घर में छोटे बच्चे हैं उसके लिए बहुत ही हानिकारक है ये। तो दोस्तों, इस तरह से मोर्टिन ऑल आउट इस तरह से बिल्कुल भी अपने घर में ना जलाएं। बिल्कुल कम पैसे में आपको मैं बहुत ही अच्छा एक छोटा सा आइडिया लेके आ चुकी हूँ, उसको आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल वो नुकसान नहीं करने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मैंने ये नेफ्थोलिन की गोली ले ली है। अगर नेफ्थोलिन की गोली नहीं है तो आप कपूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो कपूर हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं वही कपूर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, हम क्या करेंगे, नेफ्थोलिन की गोली इसके ऊपर रख लेंगे और रखने के बाद अब हम मैं इसको क्या करूँगी। तो चलिए, जैसे हम अलाउड चलाते हैं, अलाउड चला लेते हैं इस तरह से। आप देख पा रहे हैं हमारा अलाउड जल चुका है और ये जो मैंने नेफ्थोलिन की गोली डाला हुआ है, ये अपना जैसे मोर्टिन अलाउड काम करता है बिल्कुल इसी तरह से काम करेगा। और सारे कमरे में जितने भी मक्खी मच्छर आपके रात के समय परेशान करते हैं, बिल्कुल भी ये परेशान नहीं करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये है ना कमाल का आइडिया, इस आइडिया को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अगला ट्रिक। तो दोस्तों, इस तरह से जब हमारे सिंक में ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं और चौड़े मुँह की कटोरियाँ रहती, गिलास रहती है, हम इस तरह से धुल लेते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा है कभी हमारे सिंक में छोटे मुंह का गिलास रहता है, जैसे कि हमारा चौड़ा मुंह का गिलास है, तो मैं इसमें हाथ डाल के अच्छी तरह से धुल ले रही हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से देखिए, इसमें गिलास, और जैसे कि ये कांच की गिलास है तो इसमें हमारा हाथ बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है, यानी कि अंदर से हमारा बिल्कुल भी साफ़ नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, आपको एक बेलन की हेल्प से, जो बेलन हम अपने किचन में इस्तेमाल नहीं करते हैं, उस बेलन की हेल्प से आप इस तरह से
गिलास के कोने कोने से भी सफाई कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल भी इन सब में मेरा हाथ नहीं जाता है। तो दोस्तों छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत एक कमाल का आइडिया है। और दोस्तों अगर वीडियो ज़रा से भी अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों क्या है कि आप लोग हमारे वीडियो को दुनिया के कौन से शहर के कोने से देख रहे हैं, मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला ट्रिक। दोस्तों क्या होता है, जब हम अपना सिंक वगैरह बर्तन वगैरह धुल के सिंक को क्लीन कर लेते हैं ज़्यादातर रात को, तो दोस्तों होता क्या है, इस तरह से रात को क्या होता है कि हम अपना सिंक वगैरह क्लीन कर लेते हैं, इस तरह से हमारे किचन में क्या है बैक्टीरिया वगैरह आती रहती हैं और बैड स्मेल आता है। तो दोस्तों आपको कोई घर में जो आप घर में अपने पाउडर इस्तेमाल करते हैं जो खुशबू वाला पाउडर उसको ले लेना है, और एक चम्मच मैंने ये मीठा सोडा डाल लिया जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ज़्यादातर सभी के घर में होता है, मीठा सोडा सभी के घर में मिल जाते हैं, आम बात है। और मुझे इसको डालने के बाद अब आपको या तो आप इनो का भी पाउच ले सकते हैं, और मैं इसमें एक गिलास गर्म पानी डाल दूँगी। तो दोस्तों यकीन मानिए जितने भी इसमें बैक्टीरिया वगैरह है बिल्कुल इसमें से ख़त्म हो जाएंगी, और सिंक के आसपास में नज़र नहीं आएंगी, और जो इसका पाइप सिंक का चौक हो जाता है ओके हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिक। दोस्तों इस तरह से हमारे कुकर को लेके है, तो दोस्तों होता क्या है, कभी हम दाल बनाते हैं या चावल बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि नीचे से हमारा कुकर जल जाता है, तो हम सोचते हैं कि हम लोहे का स्क्रबर ले आए बाज़ार से ले आए, तो नहीं दोस्तों, अगर आपके घर में इस तरह से जो हम पार्टीवेयर में इस तरह से हम नकली जूड़ा लगाते हैं, तो दोस्तों यह वही जूड़ा है, ये हमारा जूड़ा हो चुका है ख़राब, हम इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो देखिए तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसका स्क्रबर बना ले, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होने वाला है, बहुत ही कमाल का आइडिया है। तो दोस्तों देखिए आज मैं इस तरह से जूड़े के हेल्प से इस तरह से मैं अपने कुकर को क्लीन करूँगी, बहुत इजी तरीके से ये हो जाता है, और जले से जले को बर्तन को भी ये बिल्कुल क्लीन करने वाला है, जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों ये छोटा मोटा ट्रिक आप अपने घर में ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही कमाल का आइडिया है, हमें बाहर पैसे खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपके घर में इस तरह से जूड़ा है तो आप इसका ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हम इस तरह से जूड़े को फेंक देते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो देखिए इसी स्क्रबर से जूड़ा से मैं इस तरह से अपने तवे को भी क्लीन कर रही हूँ, हमारा तवा भी बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से छोटे मोटे ऑर्गेनाइज़र और कोई भी चीज़ आप अपने घर में ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। और दोस्तों वीडियो अगर ज़रा सी भी अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर इसी तरह से एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।